आज की वीडियो में हम टू कार्ड्स बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसको कटिंग कर लेंगे। मैं 5 सेंटीमीटर का सर्कल ले रही हूँ। आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज बड़ा भी ले सकते हैं। अब व्हाइट शीट लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करके जो हमने सर्कल ड्रॉ कराया है उसकी हेल्प से एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 सर्कल कटिंग हो जाएंगे। अब हम व्हाइट शीट पर अगेन 2 सर्कल और कटिंग करेंगे। फर्स्ट पैटर्न से मैंने जिस तरह से किए थे वो लोग कर सकते हैं जिनसे इजीली कटिंग नहीं हो सकती। सेकंड पैटर्न से आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। सर्कल रखेंगे और डायरेक्टली उसी के हाथ से कटिंग कर लेंगे बजाय ड्रॉ करने के। व्हाइट शीट के 4 सर्कल कटिंग करने के बाद ग्रीन शीट के भी 2 सर्कल इस तरह से कट कर लेंगे। फिर ग्रीन शीट लेंगे और उसको ओपन करेंगे और सर्कल कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 ग्रीन सर्कल और 2 वाइट हो जाएंगे और सेकेंड साइड पर हमारे 1 ऑरेंज 1 ग्रीन और 2 वाइट्स हो जाएंगे। देन उसको इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सबको फ्रेंड्स आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किस एवेंट का कार्ड बना रही हूँ। अगर आपको आइडिया हो गया तो कमेंट्स में उस तरह के हार्ट सेंड कर दिएगा। अब जो सर्कल हमने फोल्ड किए थे उसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से डिज़ाइनिंग करने के बाद एक सर्कल उठाएंगे और उसके दोनों साइड पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्टिंग करने से हमारे सर्कल इधर उधर मूव नहीं होंगे और डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हर साइड से सर्कल को पेस्ट करते जाएंगे तो ये इजीली हमारे पेस्टिंग हो जाएगी और डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बंद कर देंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से बंद कर देंगे। देन सेकेंड जो हमने 4 सर्कल कटिंग किए हुए थे उनको भी इस तरह से सेट कर लेंगे और इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे जिस तरह से पहले वाला कार्ड पेस्ट किया। सो फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके क्लोज कर देंगे। अब हमारे दोनों कार्ड रेडी हो चुके हैं। जो सर्कल में से शीट बची थी उसको इस तरह से कटिंग करके बिल्कुल कार्ड की शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो फिर उसको कार्ड को ओपन करके दोनों के सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ और मार्कर की हेल्प से साइड्स पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर कार्ड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको टर्न करेंगे और एक स्ट्रिप लेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे, ग्लू अप्लाई करेंगे और पेस्ट कर देंगे। दोनों कार्ड्स पर इसी तरह से स्ट्रिप पेस्ट कर लेंगे जिस तरह से फर्स्ट कार्ड पर हमने स्ट्रिप पेस्ट की है। बोथ कार्ड पर बैक साइड पर इस तरह से स्ट्रिप पेस्ट करने के बाद बोथ कार्ड को टर्न करेंगे और फ्रंट साइड पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद 4.5x8.5 के 2 रेक्टेंगल्स लेंगे और उसको इस तरह से सेट करके इक्वली फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर बटरफ्लाई की शेप ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से ही ड्रॉ करनी है। 0.5 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे देन बटरफ्लाई ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेंगे और जो पार्ट हमने इंक्रीज किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको कटिंग कर देंगे इस तरह से जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से कटिंग करने के बाद उस पार्ट को ओपन करेंगे और फिर बटरफ्लाई को भी ओपन करके सेंटर में से कट्स कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास बटरफ्लाई के 4 विंग्स रेडी हो चुके हैं। अब हम 0.5 की जो स्ट्रिप है वो छोड़कर और बाकी जो बटरफ्लाई के विंग हैं उस पर इस तरह से ब्लू मार्कर से डिज़ाइन कर लेंगे और सेकेंड बटरफ्लाई पर ग्रीन मार्कर से डिज़ाइन कर लेंगे। फिर जो हमने स्ट्रिप इंक्रीज रखी थी उसको इस तरह से फोल्ड करके क्रिस्प बना लेंगे और एक बटरफ्लाई के विंग पर डाउन साइड कट लगाएंगे और सेकेंड विंग पर अबव साइड कट लगाएंगे। इसी तरह से जो हमने ग्रीन विंग रेडी किए हैं उस पर भी इसी तरह से कट लगा लेंगे। देन जो हमने स्ट्रिप फोल्ड की थी उसको इस तरह से इक्वल फोल्ड करेंगे सेंटर में लाकर जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रिप होगी उसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास ये शेप इस तरह की आ जाएगी। अब हम ग्लू अप्लाई करेंगे और जो हमने बटरफ्लाई के विंग्स रेडी किए थे उसको इस तरह से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी बटरफ्लाई पेस्ट हो चुकी है। अब हम सेकेंड पार्ट पर भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और बटरफ्लाई
पेस्ट कर देंगे। बटरफ्लाई पेस्ट करने के बाद इसको इस तरह से क्लोज करेंगे जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये स्टेप आपको केयरफुली वॉच करना है क्योंकि आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अब बटरफ्लाई को क्लोज करने के बाद जिस तरह से हमने पहले डिज़ाइन किया था उसी तरह से मार्कर के हेल्प से डिज़ाइन कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमारे दोनों कार्ड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आपको दोनों में से कौन सा कार्ड पसंद आया और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मुझे तो दोनों कार्ड बहुत अच्छे लगे और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितने प्रीटी लुक दे रहे हैं। और ये इंडियन फ्लैग का लुक है और इसी तरह से मैंने पाकिस्तानी फ्लैग का भी लुक बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस ना हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेनिफिशियल आर्टिस्टिक क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करेगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।